यहाँ से वो सैलरी बनती है आपके तारीख को देखते हैं 25 तारीख। तो इसमें कितने तरह की सैलरी आपके पास कितने? एक तो परमानेंट टीचर होंगे, यही तो है। तो वहाँ जो जाता है परमानेंट वालों का जाता है या सबका जाता है? परमानेंट। ठीक, तो परमानेंट का 25 तारीख को जो जाएगा, ठीक है, वो वेतन 25 को 23 तारीख को आप बनाएंगे। 23 तारीख को मेरे CTO साहब हैं, इनसे चेक कराएंगे और आप उसे डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं, ये नोट कर लीजिए, ऐसे करना। 23 तारीख को इनके टेबल पे आएगा ये 23 और 24, दो दिन में ये ढूंढ करके हमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर ये 25 को चला जाएगा वहाँ, ठीक है। और वहाँ झांसी में जो फाइनेंस करते हैं मैं करता हूँ सर, मेरे घर में तो बांधी जाता है। ठीक है, वहाँ से दस्तखत करा था, मतलब ये मेरे से डिस्कस करने ठीक है। तो वो जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वही महिला है क्या? तो वो संध्या रानी 10 दिन नहीं लेगी, यहाँ से अगर 25 को जाएगा तो वो तुरंत अगले दिन साइन करके ये नोट कर लिया कि वो अगले, मतलब अगर यहाँ से 25-26 को गया तो 27-28 को तो ये तो हो गया परमानेंट। अब दूसरे यहाँ और दूसरे वैरायटी के कौन टीचर है बताइए? ठीक है, 8 संविदा की नोट करिए। ऐसे ये कितने टीचर है परमानेंट? कितने हैं परमानेंट? 32 आपने मुझे बताए, उन 32 का देखिए, उन टीचरों का कोई चीज बताया नहीं होना चाहिए क्या? उसका कुछ बताया होगा, बाउजी घुमा रहे हैं, बिगड़ाता है मास्टर टीचर पीछे, इनको अपना लिट्टी नहीं दे रहे। इन 32 के 32 का जो भी देनदारियां या जो भी पेंडेंसी है वो ठीक होना चाहिए। एक बात देनदारी,